मैडम जी, जब हम सुबह आज उठे तो हमारे रूम में पानी कौन था, तो सवेरे सवेरे ड्यूटी लागी मेरी की जा पानी की बोतल भर लिया। मैं आई इतने मेरी प्यारी फ्रेंड दीपिका ने चाय चढ़ा दी थी, और भाई सवेरे सवेरे इससे बड़ा खुशी का कोई मौका नहीं होता कि कोई चाय प्या दे आपने बना की। आज भी हमारी क्लास जो थी वह जल्दी थी, 9:30 बजे के आसपास, इसलिए हम चाय पींदे नहा धो की रेडी हो गए, और मैंने रेडी होगी पहले बनाई क्लिनिक वाली एक दो रील। उसके बाद आज ब्रेकफास्ट में था हमारे पपीता, इतना स्वाद पपीता था, यो गजब का मीठा था, जल्दी जल्दी खा के हम निकल लिया। हाँ, कैब हमारी बुक हो चुकी थी। कमाल की बात है, आज हम जमा टाइम पे नीचे पहुंच गए थे, तक कैब वाले भैया आए कौन थे, इसलिए मैंने नीचे भी खड़ी होकर एक दो रील बनाई, और उसके बाद हम पहुंच गए हमारी क्लास में। लेकिन रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था, इसलिए जो टाइम हमने सुबह सुबह बचाया था वो सारा आड़ा खराब हो गया। और जब हम क्लास में पहुंचे तो क्लास शुरू हो चुकी थी। जुकर जुकर हमारी क्लास खत्म होने का टाइम आवे है, ये भाई अपनी मैनेजमेंट पुअर कर दे जा है। हमारे ग्लास आज जमा खाली पड़ा है, इसमें कोई टॉफी निकाल की गए, नहीं तो सवेरे सवेरे इसने ठाडा ठोक के जाया कर दे। आज हमारा चाय पीने का कोई मन नहीं था, क्योंकि पपीता खा के आ रहे थे, तो हमने चाय टाइम में थोड़ा सा न्यू टाइम पास करा। शामी जो है डेकोरेशन होने लग रही है रिसेप्शन खातर। ब्रेक के बाद हमारी क्लास हुई 2 घंटे की, और उसके बाद हो गया था लंच का टाइम। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बन रहे थे, दूर तक खुशबू आने लग रही थी इनकी। मेन कोर्स के साथ साथ चाइनीज फूड भी गणाया था, एक या सब्जी सी थी, बेरा कोनी क्या की थी, मन्ने तो चाचा में गाल ली प्लेट में खा की देखी, जब जमा जी दुखी हो गया। अभी जमा 2 डाल के दे रखे थे, एक तो स्टीम राइस थे, दूसरे फ्राइड राइस थे। सैलेड वाले सेक्शन में पहुंचे तो आज उसकी भी क्वांटिटी इनने बढ़ा रखी थी, फ्रूट सैलेड था, उसके बीच में राजमा का भी सलाद बना रखा था। सोदा प्लेट में थोड़ा थोड़ा गाल की, भाई न्यू भी डर लागन लग गया कदे वेस्ट हो जाए, इसलिए जमा एक एक चम्मच गाल की लाए। हाँ, हमने करे अपना भोजन एंजॉय, और भोजन के बाद मीठा खाने की बारी थी। मीठे में बनाई गई है खीर और साथ में पाइनएप्पल पुडिंग। खीर तो हमने बहुत स्वाद लगी, लेकिन इस पुडिंग में कोई टेस्ट नहीं आया, निरी ब्रेड ब्रेड थी इसमें। हमारी क्लास खत्म होगी थी 3 बजे, सारा कोर्स हमारा कम्प्लीट होने वाला था 3 बजे, क्लास खत्म होगी, तो आज हम बहुत सारे फ्री थे, बहुत घना टाइम था, तो हमने डिसाइड करा कि हम अलांते मॉल में घूम के आवांगे, सारे दोस्त पहुंच जावा अलांते मॉल में। हमने कैब बुक कर ली थी, और जान दी हमने पहले न्यू डिसाइड करके गए थे कि क्या क्या खाना है, लेकिन हमारा पेट कसुत्ता घना भरा था इब तक तो। हमने अड़े रंध्या ने 10 दिन हो लिया, 3 बार मार्केट में जाया, लेकिन हमारी दीपिका का इब तक अपनी हील्स पसंद को नहीं आई। आज का हमारा मिशन है कि तने हील पसंद करवा के लेके चलांगे। सबसे पहले मैंने एक दो हैंड बैग देखे, उसके बाद हम पहुंच गए सीधा हील्स की शॉप पे, और जान दी भाई ने जो पहली दिखाई वह दीपिका का पसंद आ गई। मगा चोखा राम भला करे तने कोई पसंद तो आई, मैं जल्दी से पैक करा दी, कदे दीपिका का मन बदल जाए फिर हमने या और दुकाना पहंडा हुआ। जमा हिम्मत कौन थी, हंडन की गोडे टूट लिए थे हमारे तो, हड़े ताग चाल पड़े। और फिर हमारी दूसरी दीपिका ने देखे कुछ चश्मे ट्राई कर की, जो कि घने खास कौन लग गया हमने। इब हमने प्लान कर लिया कि कुछ पी लिया बैठ की, इस खातर हम मॉल के पिछले हिस्से में पहुंच गए जड़े सारा खान पीन का था, और बहुत बढ़िया डेकोरेशन कर रखी थी, बहुत प्यारा सा माहौल था अड़े का। हम बहुत कम्फर्टेबल होगी बैठना चाहूंगा थे, इसलिए ये बड़े बड़े जूते जिन आप दूसरी टांग भी कैस का ये तार की दर्दी है, जमा अड़े लाथी पलाथी मार की बैठ गए। हाँ, उसके बाद हमने अपना मेन्यू देखा, मेन्यू के देखा भाई इतनी महंगी महंगी कॉफी थी, दीपिका तो न्यू कहती है 300 रुपए की कॉफी यहाँ क्यों पीनी है, इतने में तो हमने मैं 1 हफ्ता कॉफी पिया दूंगी घर में। कोई बात को नहीं दीपिका, ये भाई भी मॉल में इतना महंगा किराया देने लग रहे हैं, ये भी तो कितने तो पूरा करेंगे। हमारी कॉफी आ गई थी, और फिर हमने बेरा 4 छोरी इकट्ठी बैठे पाचे के बात खत्म होया अगर, लगभग हमें 1-1.5 घंटा आड़े बैठे रहे, बड़ा रिलैक्सिंग लग रहा था। थोड़ा अंधेरा होने लग गया था तो हम उठ की चाल पड़े आड़े, एक मिनीसो नाम का शॉप है, इसमें देखने गए, इसमें बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्यूट सी चीज पाया करे। दीपिका ने तो ये सुअर उठाया, बोली यो लेके चलेंगे, मगा क्या करेगी इसका। उसके बाद हमने कुछ पर्स वगैरह देखे आड़े, बड़े प्यारे प्यारे थे, इनका भी जमा छोटा सा साइज था, फिर ये सॉफ्ट सॉफ्ट तक ये इतने सॉफ्ट थे, ये जमा न्यू फील भी कोने था, गर्दन के नीचे कुछ लगा रखा है। उसके बाद यो पग, जिसने आप चाला कुत्ता भी कहा कर दे पहले, हमेशा इससे नाम तो जाना गया, यो बेचारा पग तो इसने पाछे कहने लगे हैं। दीपिका और हिमांशी हमने टाटा बाय बाय करके चले गए, क्योंकि उनने थोड़ा ज्यादा दूर जाना था, मेरी और दीपिका की थोड़ी बहुत शॉपिंग रह रही थी, तो हमने आड़े रुकना पसंद करा। फिर हम पहुंच गए पेंटालून में, उड़ जाके एक दो ड्रेसेस देखी, बड़ी प्यारी प्यारी थी जो मैंने पसंद आ गई, दो टॉप दीपिका ने भी पसंद आ गए थे। हमने करा ली इनकी बिलिंग, और इब हमने दोबारा भूख ला गई थी, तो हम पहुंच गए मैगडी में। मैगडी में जान दी हमने ऑर्डर कर दिया पेरी पेरी फ्राइज और साथ में आइस टी। पेरी पेरी फ्राइज का टेस्ट हमने इतना एंडी लगा, जिस दिन पहले दिन खा के गए थे, जबकि दोबारा तक खाने की सोचा थे, और कैथल जाके तो ये मिलनी भी कोनी, क्योंकि अपने कैथल में मैगडी तो है कोनी। मॉल का भीतर घूमे जाओ, इतना बाहर का माहौल बेरा है कौन बढ़ता, हमने टाइम का है कोनी समझ में आया, इतना टाइम हो लिया बाहर होगी। मैंने मोहित द्वारा फोन करा कि हमारी कैब बुक कर दे जल्दी सी। जब हमने मॉल तो बाहर आके देखा तो कसुत्ता जाडा हो रहा था, जमा शीली बाल चल रही थी यार। आज तो आड़े टैक्सी भी कौन थी, हमने ऑटो वाले भैया पे पूछा, बोले मैडम अभी ट्रेन का टाइम है, इसलिए टैक्सी वाले वहां चले जाते हैं सबके सब। कोई बात को नहीं, बैठ के इंतजार करांगे। मोहित ने कई देर ट्राई कराया कि कैब बुक हो जाए, इतना हमने आड़े एक दो वीडियो बना ली, दीपिका तो जमा थकली थी इसलिए बोली मैं तो बैठू हूँ थोड़ी बार। आखिरकार कैब हमने को नहीं मिली, कई देर ट्राई करने के बाद मोहित ने बोला आड़े जो ऑटो है वो ले लो। तम आड़े पंचकुला में हमने एक डोसा खाया था जिसका टेस्ट बहुत बढ़िया था, तो हमने डिसाइड करा मन और दीपिका ने कि पहले आप डोसा खा के चलेंगे, 1-2 दिन और बच रहे हैं फिर तो अपन उल्टा चले जाना है। लेकिन उड़े तक पहुंच दी हमारा प्लान चेंज हो चुका था। हमने ऑर्डर करा उपमा और साथ में इडली, रवा इडली ऑर्डर करी थी, जिनका
ऊपर इन्हें टमाटर धर के दिए थे, ये तो हमने आज पहली बार टेस्ट करी और इनका टेस्ट भी ठीक ठाक था। और जो भैया उपमा बनावे ना वो इतना गजब का है, न्यू लगा अपन नमकीन हलवा खावा, उसमें कोकोनट का और घी का इतना बढ़िया टेस्ट आवे है। हमारा डिनर हो गया था और अब हम चाल पड़े अपने रूम की साइड। तो जी आज का व्लॉग हमारे खत्म करांगे, कमेंट करके जरूर बताइयो आपने व्लॉग किसा लागे, अगर बढ़िया लागे हो तो शेयर कर दियो व्लॉग ने।